हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे जॉलीवुड के नए ब्लॉग में। तो ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसके कुछ और पार्ट्स आने बाकी है, क्योंकि इंटायर डे का पूरा एक्टिविटी था हमारा, तो थोड़ा तो लंबा बनता है। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे यहाँ पे मेज़ में, और ये भूल भुलैया ऐसी थी कि लग रहा था कि सही में फर्स्ट टाइम हम लोग को लगा कि ऐसी घुस के इंटर करके निकल जाना है, लेकिन जैसे ही हम लोग घुसे लिटरली हम लोग खो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था हमें किधर जाना है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे और हम लोग सच में खो गए थे। तो किसी तरह से फॉर्चुनेटली पता नहीं प्रियांश को किधर से समझ में आया और प्रियांश को रास्ता मिल गया, और उसकी वजह से हम लोग निकल गए थे। अंदर गर्मी बहुत थी तो इसीलिए हम लोग को जल्दी निकलने की भी लग गई थी। और अभी इधर डायनासोर वाली जगह पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, और प्रियांश का जैसे ही हम लोग इंटर किए थे वैसे ही वहाँ से स्टार्ट हो गया था कि वाटर पार्क में जाना है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक ये सब लाइन थोड़ा कम होता है हम लोग वाटर पार्क वाला एरिया इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि वाटर पार्क में अभी बहुत ही कम भीड़ थी। तो फिर वाटर पार्क के लिए हमें चेंज करना पड़ता है, इसीलिए बगल में ही जस्ट अम्यूज़मेंट पार्क था। तो हम लोगों ने सोचा कि देखते हैं अगर कुछ हो। मेरे हस्बैंड को ज़िपलाइन में जाना था, वो वाला चीज़ इनको करना था, तो मेरे हस्बैंड निकल गए कि नहीं मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग वाटर पार्क ट्राई करेंगे। तो हम लोग भी एग्री कर गए, और धूप इतनी ज़्यादा हो गई थी कि थोड़ा सा हम लोग को इरीटेशन हो रहा था कहीं भी न्यू चीज़ों में जाने के लिए, न्यू राइड्स करने के लिए लग रहा था किसी तरह से शेड में चले जाएँ। और कुछ कुछ चीज़ों में तो लंबी लंबी लाइनें थी, तो हम लोग उस चीज़ों को अवॉइड ही कर दे रहे थे कि नहीं करना है, क्यों बोल के कि बहुत लंबी लाइन है। ऐसे ये जिप लाइन वाले में भी बहुत लंबी लाइन थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि नहीं मुझे करना है, तो वो खड़े हो गए लाइन में। तो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उनका नंबर आ गया और उन्होंने अपने सेफ्टी बेल्ट्स पहनना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे भी थोड़ा डर लगता है ये सब चीज़ों से, मैं ये सब चीज़ ट्राई नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा डर लगता है ऐसे हाइट वाइट से। तो लेकिन मैं हस्बैंड के लिए एक्साइटेड थी। वहाँ वेट था थोड़ा 80 kg के अराउंड का मैक्सिमम वेट था कि 80 kg के लोग कर सकते हैं, और मेरे हस्बैंड सबसे टॉप फ्लोर पर जाके वो वाला चीज़ करने वाले थे। बाकी सारी चीज़ें थी, कुछ फर्स्ट फ्लोर पर थी, कुछ सेकेंड फ्लोर पर थी और कुछ लास्ट पर थी। तो मेरे हस्बैंड को था कि मैं सबसे हॉट टॉप हाइट से करूँगा। तो मैं मुझे बोला उन्होंने वीडियो बनाने के, और मैं साइड में आ गई वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद फिर हस्बैंड ने अपने मन की बात पूरी करके ज़िपलाइन कंप्लीट किया, काफ़ी अच्छे से किया। मुझे एक टाइम के लिए लगा कि वो छूट के फिर वापस चले जाएंगे। अब हम लोग की बारी थी प्रियांश की रिक्वायरमेंट पूरी करने की। तो हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए, वाटर पार्क में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे हम लोग। प्रियांश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वाटर पार्क में, मुझे भी अच्छा लगता है। तो हम लोग दोनों वाटर पार्क में घुस गए थे। हस्बैंड ने बोला कि मैं पहले फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ, वीडियोज़ ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं मोबाइल को अपने लॉकर में रख के फिर हम लोग इन्जॉय करेंगे। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया, उसके बाद फिर मोबाइल को रख के अच्छे से इंजॉय किया वाटर पार्क, और बिल्कुल गीले हो चुके थे हम लोग। फिर हम लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट्री लंच इंजॉय किया बिल्कुल, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टिकट में ही इंक्लूडेड है ये। तो उसके बाद लंच इंजॉय करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सी ताकत और आ गई, और फिर हम लोग गए थे डायनासोर द लॉस्ट वर्ल्ड में घूमने के लिए। और अब भीड़ थोड़ी सी कम हो गई थी यहाँ पे, तो अब अच्छा लग रहा था कि अब हमारा नंबर आ गया, और खाना खाने के बाद थोड़ी सी एनर्जी भी आ गई थी। तो ऐसा होता है कि आप चलते चलते थक जाते हो, तो कभी कभी माइंड जो है इरिटेट हो जाता है कि नहीं अब घर चलते, थक गए। लेकिन खाना खाने के बाद हम लोग फिर से रिफ्रेश हो गए थे, और ये अंदर से घुसने के बाद बिल्कुल ही एक अलग एक्सपीरियंस लग रहा था। मैंने तो सोचा था कि नॉर्मल डायनासोर के स्टैचूज़ होंगे, ये सब होगा। तो ये एक टॉय ट्रेन चलती है यहाँ से, जो आपको ऐसे जगह लेके जाएगी, ऐसे एडवेंचरस तरीके से रास्तों में घुमाएगी कि आपको लगेगा कि सही में एक आप लॉस्ट वर्ल्ड में पहुंच गए हो, जिसमें डायनासोर के साथ आप एक देख रहे हो। तो अब बारी आ चुकी थी हमारे जाने की, हमारा नंबर आ गया था। तो और हमारा जैसे ही स्टार्ट हुआ, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है जो आपको ऐसे स्केरी स्केरी चीज़ों साउंड के साथ आपको ये राइड्स चलेगा टॉय ट्रेन का। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा जो होता है, जो अच्छे अच्छे डायनासोर थे हमारे जो लॉस्ट में, तो मुझे लगता है ये चीज़ बच्चों के लिए भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला था, क्योंकि बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते हैं, उन लोग के लिए तो ये बहुत देखने में बड़ा अच्छा लगेगा बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो। तो अच्छा लग रहा था, सारे जितने भी टाइप के डायनासोर थे जो हमारे खो गए हैं, तो वो सब सारे डायनासोर्स को ऐसे प्लेस्ड किया गया था कि लग रहा था कि सही में हम लोग वही वर्ल्ड में इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत रियलिस्टिक टाइप से स्टैचूज थे, बहुत मतलब मूव भी कर रहे थे, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो
काफ़ी मूव भी कर रहे थे, तो लग रहा था सही में। और पहले पीस वाले डायनासोर के पास हम लोग गए जो पीसफुली काम करते थे वो, के बाद फिर उसके बाद एक डेंजर वाला साइन आता है, उसके बाद जितने भी डेंजर डायनासोर थे, और बहुत ही पीसफुल इलाका था, लग रहा था शांति से किसी जंगल में हम लोग एक टूर ले रहे हैं सफारी राइड टाइप से, तो अच्छा लग रहा था। आप अपने बच्चों के साथ जाइए, बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे, एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा चीज़ मतलब मुझे लगता है बेंगलोर में मैंने पहली बार देखा है। एक दो जगह मैं गई हूँ जहाँ मैंने देखा है कि डायनासोर वाला थीम है, लेकिन एक दो डायनासोर रहते हैं, यहाँ तो पूरा वर्ल्ड ही है डायनासोर का, इतने लार्ज वेराइटी के डायनासोर थे। प्रियांश भी अपनी आँखें खुलेगी खुली रख रहा था, कितनी मुझे ऐसे मन लग रहा था कि बहुत अलग चीज़ है ये, तो प्रियांश के लिए तो बिल्कुल न्यू चीज़ थी। तो हमारी राइड बस कंप्लीट ही होने वाली थी, चारों तरफ ऐसा लग रहा था हम लोग डायनासोर के वर्ल्ड में चारों तरफ से घिर चुके हैं। और ये वाला चीज़ में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था कि जब हम लोग जब एंट्री ले रहे थे तो उस समय डायनासोर वर्ल्ड के लिए ना लंबी लाइनें लगी हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा ना कि वाटर पार्क इंजॉय कर लेते, उससे क्या होगा कि वाटर पार्क उस समय बिल्कुल खाली था, तो हम लोगों ने वाटर पार्क को अच्छे से पीसफुली इंजॉय किया। उसके बाद जैसे ही हम लोग निकले ये वाला चीज़ खाली हो गया। तो आप भी इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करके इसमें जाइएगा ताकि तो आप रश से बच सके। ऐसा नहीं है कि लाइन लंबी है तो हम भी बहुत देर तक लाइन में लगे हुए हैं, थोड़ा सा इधर उधर जाके देख लीजिएगा, जिसमें कम है वो कर लेना है, बाद में फिर ये वाली चीज़ों में आ जाना है। तो हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हो गया था हमारा। और सबसे अच्छी बात ये थी कि धूप बिल्कुल कम हो गया था, हम लोग 2 बजे के अराउंड धूप एकदम ख़त्म हो गया था और मौसम बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हो गई थी, तब तो और सारी चीज़ों का मज़ा आ रहा था। तो डायनासोर टॉय ट्रेन वाला राइड जैसे ही ख़त्म होता है, एक बिल्कुल एंट्री होती है हमारे हॉल में जहाँ पूरा डायनासोर थीम से पूरा रिलेटेड होता है सब कुछ, डायनासोर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती है, उनके बोन्स, उनके स्केल्टन्स कैसे होते थे, बहुत सारी चीज़ें जिससे बच्चों को बहुत इंफॉर्मेटिव तरीके से आप उसे बता सकते हैं। तो प्रियांश भी सब चीज़ों के एक्सप्लोर कर रहा था, हम लोगों को लगा था कि प्रियांश थक जाएगा क्योंकि वाटर पूल में भी हमें काफ़ी हरेशमेंट होती है, काफ़ी बॉडी चार्ज होता है, लेकिन बच्चों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो एक्साइटेड रहती हूँ। मेरे हस्बैंड पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुके थे, उन्हें लंच करने के बाद काफ़ी नींद आती है, तो वो थे कि अब हो गया थोड़ा बहुत घूम के चलते हैं, लेकिन मैंने बोला नहीं इतनी दूर आए हैं तो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट करना है ताकि घर जाके कोई रिग्रेट ना रहे कि ये कॉर्नर हमारा नहीं रह घूमा हमने, हमारा रह गया था। तो हस्बैंड को किसी तरह से मना मना के हर चीज़ों में करवा रही थी, हस्बैंड का था कि थोड़ा बहुत देख लिया आप चलते घर, क्योंकि अब पूरा संडे बस निकलने ही वाला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं अभी मैं पूरा कंप्लीट करूँगी फिर बाद में आना। और यहाँ पे ये डायनासोर का सेल पहन के एक आदमी ऐसी चल रहा था जो बिल्कुल डायनासोर, अचानक से हमें लगा कि डायनासोर कहाँ से आ गया। प्रियांश भी बिल्कुल चौंक गया था, उसे भी लगा था कि डायनासोर आ गया है, लेकिन उसके पैर दिख रहे थे हमें, तो हस्बैंड उसके पीछे पीछे जा रहे थे, हस्बैंड भी थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। तो ये चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी लग रही थी, उम्मीद करती हूँ आगे के लिए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ।